इसराइल हमास युद्ध के बीच एक बार फिर वैश्विक नेताओं की एक बड़ी समिट होने जा रही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज ही G20 का वर्चुअल समिट आयोजित होगा। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भी इस वर्चुअल टेबल पर बातचीत के लिए बैठेंगे। हालांकि इस बार भी चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने इस समिट से दूरी बना ली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक अन्य प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से उपस्थित नहीं हो सकेंगे। बता दें कि नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट आयोजित किया गया था। इसमें ग्रुप के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ सके थे। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को समिट में शामिल होने भेजा था। इस दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए वर्चुअल समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। भारत द्वारा बुलाई गई G20 की वर्चुअल समिट में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और अफ्रीकी संघ एक साथ आएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 2 साल में पहली बार G20 में उपस्थित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थैंक्सगिविंग के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उनका प्रतिनिधित्व ट्रेजरी सचिव जैनेट येलन करेंगी। ये भी पहली बार होगा जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो सितंबर में भारत से लौटने के बाद राजनयिक गतिरोध के बीच पीएम मोदी के साथ आमने सामने होंगे। चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे। राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने एक बार फिर से समिट से दूरी बनाई। हालांकि भारत विकास के एजेंडे को केंद्र में रखने पर जोर देगा। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के प्रभाव पर भी खास चर्चा की जाएगी। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की हमारी सफल मेजबानी के बाद दुनिया ने कई घटनाओं को देखा और कई नई चुनौतियां सामने आई। जबकि विकास मुख्य एजेंडा होगा, हम विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेता अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले सितंबर में भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच G20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र पर आम सहमति हासिल की थी। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच गतिरोध पैदा करने की धमकी दी थी। भारत अब शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा सहमत मुद्दों के कार्यान्वयन पर काम कर रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत की अध्यक्षता में सितंबर में आयोजित समिट में तय किए गए प्रमुख नतीजों और कार्रवाई बिंदुओं पर G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन बात होगी। 2 महीने पहले लिए गए अलग अलग निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिए जाने की उम्मीद है। बता दें, भारत ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष समेत सभी G20 सदस्यों के नेताओं, साथ ही 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को वर्चुअल समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। अब ब्राजील G20 का अगला अध्यक्ष होगा। बताते चले कि G20 सदस्य देश ग्लोबल GDP की 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्लोबल ट्रेड का 75% इन देशों के बीच होता है। दुनिया की कुल आबादी का 2/3 इन देशों में रहता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी EU शामिल है। बता दें, दिल्ली में हुए समिट में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 के नए सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। खैर, आपका क्या कहना है? जिस तरह से अब पुतिन की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।